Hello and a very good morning to all of you. I welcome you all to Topic Study YouTube channel. And आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी 2019 के डेली करंट अफेयर्स क्विज. अगर आप SSC, रेलवे, बैंकिंग और अन्य जिस भी तरह के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाई मी नैना दुबे. ये वीडियो आपको रोज़ाना 7 से 8 के बीच में अपलोड हो जाती है. अगर कभी नोटिफिकेशंस ना आए तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं. और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. क्वेश्चन ऑफ द डे 2 जनवरी 2019. करंट अफेयर्स से आप मुझे बताएंगे किस शहर में राष्ट्रपति ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है. एंड द सेकेंड वन, किस मंत्रालय ने अगले 4 वर्षों में भारत के साथ रामेश्वरम अरब सागर को फिर से जोड़ने के लिए भारत के पहले लिफ्ट पूल के निर्माण की घोषणा की है. इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस है उसमें कवर किया है. एंड तो आप इसका आंसर्स मुझे कमेंट में बताइएगा. एंड स्टैटिक के पार्ट में आप मुझे बताइए महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क एंड गलाथिया नेशनल पार्क. एक हिंट देती हूँ, ये 5ों नेशनल पार्क एक जगह पे ही स्थित है. ठीक है, तो आपको मुझे वो प्लेस बतानी है ये कहाँ स्थित है. ठीक है, तो आज के बनते हैं ये 3 क्वेश्चंस. आप मुझे इसका आंसर्स कमेंट में बताइएगा. एंड कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नया कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, तो इनका नाम है प्रवीण कुमार. एंड द सेकेंड वन, बालकन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किन्हें नवाजा गया है, तो ये हैं लुका मॉड्रिक. स्टैटिक से बीहू, बागुरुम्बा और भोरट किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये तीनों ही असम के लोक नृत्य हैं. एंड देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है. और आप लोगों में से मैक्सिमम के आंसर्स भी बिल्कुल सही थे. और अब हम शुरू करेंगे अपना आज का डेली करंट अफेयर्स क्विज. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की 3 द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किनके द्वारा की गई है. तो देखिए, हमारे ऑप्शन है डी, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अंडमान निकोबार की यात्रा पे गए हुए थे. उन्होंने एक दिन की अपनी यात्रा की है. वहाँ उन्होंने बहुत ही काम किया. लाइक सुन्य आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, सुनामी स्मारक पे उन्होंने माला अर्पण किया है. और फिर बिजली परियोजना एक उन्होंने शुरू की है. जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ उन्होंने इंडक्शन कुक स्टोव का वितरण करवाया है ताकि ग्रामीणों को सुविधा प्रदान की जा सके. बट द मेन चीज़ जो मैंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि उन्होंने 3 द्वीपों का नाम बदल दिया है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. ये मोदी जी के द्वारा किया गया. ऑप्शन है डी. एंड आप यहाँ पढ़ सक रहे हो, रास द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है. रास द्वीप का नाम बदल दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पे. सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड द्वीप है नील द्वीप. नील द्वीप का नाम चेंज करके सही द्वीप कर दिया गया है. एंड द थर्ड वन, हैवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप कर दिया गया है. तो ये तीनों को आप याद रख सकते हो, कुछ भी एग्जाम्स में आ सकता है. रास द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम पे, नील द्वीप का सही द्वीप एंड हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार एक आध्यात्मिक विभाग बनाएगी. तो देखिए, ये है मध्य प्रदेश. ऑप्शन है हमारे मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि वो वहाँ के जितने भी मौजूदा विभाग है, मतलब वहाँ एक आनंद विभाग है, राज्य आनंद संस्थान है, मध्य प्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण के विभाग है, तो इन सबको विलय करके वो एक आध्यात्मिक विभाग बना देंगी. तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा घोषणा की गई है. एंड मध्य प्रदेश के बारे में आप जान सक रहे हैं, वहाँ की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है कमलनाथ जी, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान एंड बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान. तो ये सारी चीज़ें आप मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा जान सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित द्वारा सम्मानित किया गया है. इस क्वेश्चन में ये समझ लीजिए कि महिलाओं और लड़कियों का इस फील्ड में दुरंधर प्रदर्शन रहा है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित के क्षेत्र में, तो उस देश ने इन्हें सम्मानित किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है. इसमें आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ें. 3 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, ये भारतीय मूल की महिला है जिसे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सम्मानित किया गया है. तो इन तीनों का नाम है
पहले हैं अनीशा पटेल, आप इस पिक्चर में इन्हें देख पा रहे हैं, अनीशा पटेल। सेकेंड है देविका कामत, देविका कामत पेशे से खगोलीय वैज्ञानिक है। एंड आशा राव, आशा राव कैंसर पर रिसर्च कर रही हैं, ठीक है। और ये अनीशा पटेल जो है ये गणित की विशेषज्ञ है। तो इनके इतने एक्सलेंट इन्होंने काम किया है अपने फील्ड में, जिसके कारण इन्हें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुधीर भार्गव जी को। ऑप्शन है हमारे सी, सुधीर भार्गव। देखिए, भारत सरकार ने केंद्रीय सूचना आयुक्त में एक नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है इन्हें, जिनका नाम है सुधीर भार्गव। और केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में आप जान सकते हैं कि वो 12 अक्टूबर 2005 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। और इन्हें आप पिक्चर में देख पा रहे हैं सुधीर भार्गव जी को, ये रहे सुधीर भार्गव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख हसीना ने किस देश के पीएम के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। तो देखिए, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिन्होंने तीसरी बार भी अपना कार्यकाल जीता है। और वहाँ बांग्लादेश तो ऑप्शन हो जाते हैं ए, और बांग्लादेश के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, उसकी राजधानी है ढाका, और वहाँ जो मुद्रा चलती है ना वो टका चलती है, ठीक है। और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आप देख सकते हैं पिक्चर में शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस उपरक्षा मंत्री को देश का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया है। तो इनका नाम है पैट्रिक सनहान। ऑप्शन है हमारे ए, पैट्रिक सनहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे जेपी नड्डा जी ने ये घोषणा की है कि भारत के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का उद्घाटन जनवरी 2019 में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये किस राज्य में किया जाएगा। तो ये हरियाणा में किया जाएगा, हरियाणा के झज्जर जिले में। ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने जैव विविधता पर सम्मेलन को 6वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंपी है। बात यहाँ हो रही है एशियाई देश की, तो इसमें है हमारा भारत। ऑप्शन है ए। देखिए, भारत ने 30 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भारत के तरफ से इस जैव विविधता पर सम्मेलन पे 6वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट को सौंपा है। और ऐसा करने से ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि भारत इस रिपोर्ट को सबमिट करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। अब इस जैव विविधता रिपोर्ट पे क्या हुई थी कि डिफरेंट जो भी 12 राष्ट्रीय जैव विविधता में कितनी प्रगति आई है, शेरों के जो संख्या में कितनी, मतलब जितने भी पशु हैं उनकी संख्या में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस जैव विविधता रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। तो भारत एशिया का पहला देश बन गया जिसने ये रिपोर्ट को शामिल किया है। ऑप्शन है हमारे ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मृणाल सेन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। मृणाल सेन बहुत ही जाने माने फिल्मकार थे और मोस्टली ये बंगाली फिल्म प्रोड्यूस करते थे, ये आप ध्यान रख सकते हो, बंगाली फिल्म ये बनाते थे। एंड जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी थे। इनका 95 वर्ष की उम्र में 30 दिसंबर को निधन हो गया है। चूँकि ये बहुत ही फेमस थे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन है ये सिनेमा। और देखिए, इनकी कुछ मूवीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रात भोर इनकी पहली मूवी थी, एंड नील आकाश रे नीचे, इस मूवी से ये बहुत ही चर्चा में आ गए थे, इन्हें प्रसिद्धि मिली थी। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है, 1983 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मृणाल सेन किस क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र का उद्घाटन किया है। ये इन्होंने किया है वाराणसी में। ऑप्शन है हमारे ए। और वाराणसी में इन्होंने जब उद्घाटन कर दिया है तो ये टोटल 6th कैंपस बन गया है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र का, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है और इसका उद्देश्य ये होगा कि ये संस्था 2022 तक किसानों की जितनी भी आय है ना उसे दुगना करने में मदद करेगी। इसमें किसानों को, मान लीजिए वो कुपोषण के शिकार है, तो इससे उनकी अच्छी इनकम होगी, उनमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बहुत सारे एडवांटेज हैं। तो ये वाराणसी में की जा रही है। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य ने शुरू की है। एक जिला एक उत्पाद शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन है हमारे ए। देखिए, राज्य के जितने भी शिल्प है या उत्पाद जो है वो डिफरेंट
उनको बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश बहुत ही विशाल क्षेत्र है और यहाँ विभिन्न विभिन्न समुदाय के बहुत ही लोकप्रिय कुछ कुछ उत्पाद है, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि लुप्त होने के कगार में हैं। तो ऐसा देखकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया है ताकि वो चीज़ें भविष्य में विलुप्त ना हो पाएँ। इनका उद्देश्य यही है इसे लॉन्च करने का। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इनका काम ही यही है कि इन्हें बढ़ावा देना है, उस उत्पाद को आगे ले जाना है, और ये ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने अवनगार्ड नामक हथियार डिलीवरी सिस्टम का परीक्षण किया है? अवनगार्ड डेट इज़ हाइपरसोनिक परमाणु हथियार डिलीवरी सिस्टम, और ये किया गया है रूस के द्वारा। ऑप्शन है हमारे सी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली इंडियंस द स्टोरी ऑफ ओवर असिस्ट एंड वेयर वी कैम फ्रॉम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस पुस्तक में हमारे इतिहास का वर्णन है। भारतीय जनसंख्या जो है ये चार बड़े स्थानांतरणों का परिणाम है, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णन की गई है। आप इसके लेखक का नाम ध्यान रख सकते हो और इनका नाम है टोनी जोसेफ। ऑप्शन है हमारे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट में पॉक्सो अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है, ये अधिनियम किससे संबंधित है? तो देखिए, ये अधिनियम संबंधित है बाल यौन शोषण के विरुद्ध में। इस अधिनियम को जब इन्होंने मंजूरी दी है, इसमें ये बात कही गई है कि 18 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चों में यौन शोषण होता है, तो बच्चों में लड़की और लड़कियां दोनों को शामिल किया गया है, और अगर उनके साथ कुछ यौन शोषण की मामले सामने आती है तो उन्हें सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो इससे उन्होंने मंजूरी दे दिया गया है, तो अब से 18 साल के कम के बच्चों के साथ अगर यौन शोषण होते हैं तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। और आप ये ध्यान रख सकते हैं, पॉक्सो है क्या? देखिए, पॉक्सो प्रोटेक्ट करती है चिल्ड्रन को सेक्सुअल ऑफेंस से हमेशा, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। और ऑप्शन है हमारे ई, ए, बाल यौन शोषण के विरुद्ध। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2 जनवरी 2019 के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो नैना दुबे के नाम से। मैं वहाँ भी करंट अफेयर्स के रिलेशंस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।